चलिए राजू जी, सही से रहिएगा। ऑल राइट, गुड मॉर्निंग गाइस। और समय बज रहा 5, ऑडोमीटर कर दिया मैंने 0। और आज का जो फर्स्ट डे हमारा हॉल्ट होगा वो है सिलीगुड़ी। तो निकल तो चुका हूँ, मेरा प्लानिंग था और मॉर्निंग को निकलने का करीब 4-4:30 बजे, पर मैं उठा ही 4 बजे, तो कोई नहीं, अच्छा ही है। और एक चीज़ है दोस्तों, आप जब भी राइड स्टार्ट करें तो कितना भी आप बाइक से आप अपने फैमिलियर क्यों ना हो, पर स्टार्टिंग के 20-25 किलोमीटर खुद को एडजस्ट करना ज़रूर चले। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि बाइक जो है वो स्लोली चलाएं, क्योंकि लगेज वगैरह के साथ थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगता है। तो अब भराना है पेट्रोल हमें, और पेट्रोल भरा के बस निकल जाएंगे सीधा। देखता हूँ ब्रेकफास्ट के लिए कहीं पे रुकूंगा। सो द राइड हैज बिगन गाइस ऑफिशियली, और घर से अभी तक 3.3 किलोमीटर चल चुका हूँ। और यार डॉगीज मॉर्निंग योगा करते हुए, तो आज का जो डिजायर्ड रूट है, और सबसे पहले मैं पेट्रोल के रेट बता देता हूँ आपको कि 600 रुपये का लगभग पेट्रोल भरा। मेरी टंकी कैपेसिटी 12 लीटर है, और अब देखा जाए कि माइलेज क्या मिलती है इससे। अब आते हैं दूसरी बात पे, 600 रुपये का पेट्रोल भर चुका है, सिलीगुड़ी तक चल जाएगा आराम से। हो सकता है प्रोबेबली 400 किलोमीटर तो जाना चाहिए। और अभी जो है दोस्तों, मैं निकल चुका हूँ अपने नेपाल के ऑफिशियल राइड पे। तो आज पहला दिन का जो हॉल्ट है वो मैं लूँगा, पहला दिन का हॉल्ट जो है वो मैं सिलीगुड़ी में लूँगा। और अभी हम देवघर में ही है, और ये देवघर से जो ये रास्ता है ये जाएगा हसडीहा होते हुए भागलपुर, और भागलपुर से भागलपुर लगभग यहाँ से 120 किलोमीटर, और फिर भागलपुर से मैं पूर्णिया 90 किलोमीटर, 120 प्लस 90 हो गया आपका 210 किलोमीटर, और उसके बाद वहाँ से सिलीगुड़ी लगभग 150-200 किलोमीटर है। तो टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 400 किलोमीटर का राइड आज होगा एक दिन में। तो अभी हम पहुँच चुके हैं मोहनपुर, और यहाँ से सीधा रास्ता चला जाएगा दोस्तों दुमका, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे गेट है। अब आपको आगे चल के दिखाता हूँ, एक रास्ता जो है वो दुमका चला जाएगा सीधा जो, और बाएं तरफ हम भागलपुर के लिए मुड़ जाएंगे। बाबा नगरी में पुनः पधारे, बाबा बाबा नाम, और 7 दिन बाद मुलाकात होगी। तो भागलपुर यहाँ से 109 किलोमीटर, हसडिया 37 और गोड्डा 69, तो इसी रास्ते में हम जाएंगे। और ये रास्ता तो खैर कुछ कहना ही नहीं है। I wonder what went wrong today, eh? Why do I feel like I linger? Linger between the words to say, eh? To say the words you remember. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. Lose it all. Lose it all. Feel it in your arms. Feel it in your legs. Feel it on your fingertips and feel it in your head. Just let your body go. Just let your body go. Just let your body go. And move to the rhythm. All right guys, और समय हो रहा है 12:15, और अभी तक अप्रॉक्स 290 किलोमीटर कवर कर चुका हूँ देवघर से। मॉर्निंग को 5:30 बजे निकला था, 12:15 हो रहा है, बड़े आराम से इत्मीनान से चला चला के आ रहा हूँ। और गाइस आज मौसम बहुत साथ दे रहा है हमारा, एक्चुअली आज धूप ज़्यादा नहीं है, जितनी कड़ी धूप थी आज से प्रीवियस डेज पहले अभी नहीं। और ये कुछ नज़ारा है
तो किशनगंज यहाँ से और लगभग 30-40 किलोमीटर तो हम किशनगंज पहुँचेंगे और लंच करेंगे अब। तो सिल्लीगुड़ी लमसम में 3-3:30 तक पहुँच जाऊँगा। और अच्छा ही है चलो एक तरह से। और आज एक खबर था, आज अपडेट मिला है कि नेपाल बंदी थी आज, तो चलो अच्छा हुआ मैं कल नहीं निकला वरना आज जाके फंस जाता बॉर्डर पे। अब देखते हैं आगे जैसा होगा मैं आपको बताऊंगा। कल मंडे है तो कल भंसार वगैरह बनवा के और अपने ट्रिप पे निकल जाना है और फिर जैसा होगा आगे देखा जाएगा। ऑलराइट गाइस, एनएच पे कुछ दिखाने को है नहीं, सोचा एक अपडेट दे दूँ आपको। और अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो मैं अपना इंस्टा हैंडल अभी नीचे दे दे रहा हूँ। तो अगर मैं वीडियोस अपलोड नहीं करता हूँ इनकेस अगर नेपाल जा रहा हूँ और सिम का जुगाड़ नहीं हुआ, इंतज़ाम नहीं हुआ, तो मैं इंस्टा स्टोरीज वगैरह अपडेट करता रहूँगा जब भी मुझे वाईफाई मिलेगा। तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है दोस्तों, आप देख लें। तो चलिए गाइस मिलते हैं आगे और अपडेट देता हूँ आगे मैं आपको। ऑलराइट, बाय बाय। गाइस अपडेट ये है कि अभी मैं किशनगंज पहुंच चुका हूं और किशनगंज से यहां पे और 112 किलोमीटर लगभग पड़ेगा सिलीगुड़ी। तो ये रोड है एनएच, तो चलिए मिलते हैं आगे। और समय बज रहा है 12:30, खाना वाना खाएंगे तो फिर आगे मिलते हैं दोस्तों। ओह माय गाइस, और चाय पत्तियों की बगान शुरू हो गई है यहाँ से, दोनों तरफ चाय पत्तियों के बगान। और आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, चाय पत्ती की जो स्मेल आ रही है वो जो चाय बनती है एकदम सेम वैसा ही स्मेल है। मतलब कोई भी हो उसको नौजिया हो जाए भाई, बैठ के चाय पत्ती की सेंट ही लेते रहे हैं बैठ के। वाह, तो इस हिसाब से हम बागडोदरा के नज़दीक है और बागडोदरा होते हुए हम सिलीगुड़ी जाएंगे। क्या व्यू आता है ना दोस्तों, मतलब एक 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 एक, एक, एक। चलिए बस यही दिखाना था आप लोगों को, चलिए सिलीगुड़ी मिलता है दोस्तों। ऑलराइट गाइस, सो समय हो रहा है 4:30 और मैं रूम ले चुका हूँ। रूम के बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा, रूम के प्राइस के बारे में, स्पेसिफिकेशंस के बारे में। पर अभी जो सरप्राइज है हम लोग वहाँ जा रहे हैं। चश्मा ले लेना चाहिए था। सो वी आर गोइंग टू सुखना गाइस, और सुखना वही दार्जिलिंग रोड पड़ता है, पूरा टॉय ट्रेन वाला रास्ता आएगा। तो बस वही दिखाने के लिए मैं बेकरार था कि मैं आप लोगों को वो दिखाऊं, और एक्चुअली मुझे भी मन था। ओह माय गाइस, ये देखिए यहाँ पे ट्रेन गॉज स्टार्ट हो गया है यहाँ पे, तो टॉय ट्रेन यहीं से गुजरती है और दार्जिलिंग तक जाती है। दार्जिलिंग में घूम स्टेशन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। फ्यूल अप कराना है पर चल जाएगा आते जाते टाइम। That you don't like me on my own.
ये है दोस्तों रोंगटोंग रोड और कुछ व्यू लिया जाए। লাইসেন্স জেরক্স চলবে না তো অরিজিনাল হ্যাঁ অরিজিনাল ভি আছে অরিজিনাল দেখেন না এতগুলো দেখাছেন না যেটা 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 আপনার ঠিক আছে আর শুধু ড্রাইভিং লাইসেন্স পলিউশন নিয়ে স্যার ঠিক ঠিক সো পেপার वगैरह सारा मैंने रखा था तो पेपर रखने की वजह से प्रॉब्लम नहीं हुआ। पेट्रोल डलवाना है और कुछ खाना है। चलो व्यू पॉइंट देखते हैं कोई सा। तो गाइस कैसा लगा रोंगटोंग रोड और आने टाइम पे एलिफेंट्स वगैरह व्यू है और अभी पुलिस से भी इनकाउंटर हुआ तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक रखे होके रखे सब कुछ ठीक रहेगा। और ये रोंगटोंग रोड का ये टॉय ट्रेन का दार्जिलिंग तक ऐसे ही जाता उठ के और नेचुरल आवाज़ है तो ये सूखना जंगल है और थंबनेल यही का बनाते हैं मज़ा आएगा थंबनेल। उम्मीद है आप लोग ब्लॉग इंजॉय करेंगे। मुझे भूख लगा है और माथा दर्द कर रहा है तो जाऊँगा खाना खाऊँगा बहुत हो गया। हाँ भैया हेलो चैनल है। हाँ हेलो सौरभ आपका सौरभ जी आपका भी चैनल है क्या ना। सुखना का जंगल सुखना जंगल बोलते हैं इसको।